हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एवरी वन? एक्चुअली टुडे द टर्म इज ऑफ ग्रामर, सो आई विल टीच यू ग्रामर. इन ग्रामर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच. बिफोर स्टार्टिंग द पार्ट ऑफ स्पीच एंड स्पीच, व्हाट इज स्पीच, वी हैव टू डिफाइन इट. How can we define that parts? Parts means simply, in English, the component, and speech means the sentence. Speech means the sentence. So, concludely, you can say that part of speech refers the component of language or the sentence. The sentence made up, sentence is made up different kind of part of speech. Let us take the example of house. Part of speech के आधार पर मान लो house का हम लोग उदाहरण लेते हैं. तो house, what is house? House क्या है? House क्या है, इसको कैसे define करेंगे? House also is ingredients of different kinds of material. जैसे हाउस में क्या लगा है, ईंट लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है, छड़ लगा हुआ है, बालू लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है. ये सब लगने के बाद एक चीज़ और, जी चीज़ हो लगी होती है वो होती है कारीगरी, जिसको आप लोग मिस्त्री कहते हैं, वो कला. सिमिलरली द पार्ट ऑफ स्पीच आल्सो हैव सम कंपोनेंट्स ऑफ द लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज क्या हो सकता है, लैंग्वेज कैसे बना, स्पीच सेंटेंस कैसे बना. तो सेंटेंस एक वर्ड नहीं हो सकता, एक एक्सेंट नहीं हो सकता. सेंटेंस हमेशा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उस वर्ड्स में उनका नाम अलग अलग हो सकता है. मान लो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सबको हम लोग एक नाम से भी बुलाते हैं, क्या, स्टूडेंट्स. लेकिन सबका अपना पर्टिकुलर नाम है, कोई किसी किसी का दूसरा नाम, किसी का दूसरा. सिमिलरली दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच आल्सो इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट ऑफ द ग्रामर एज वेल एज द लैंग्वेज. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच. आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट विथ हिज एल्डर ब्रदर इन द गार्डन. दिस इज द एग्जाम्पल आई हैव गिवन टू मेक यू अंडरस्टैंड. How can we understand that in the sentence, in the speech, this they have their particular name. He को क्या यहाँ बोलिएगा, what is the part of speech of he? He is pronoun, play is verb, cricket is noun, with is preposition, his is pronoun, elder is adjective, brother is noun, in is preposition, the is article, and garden is noun. तो ये, this is the sentence, और इस sentence में जितने भी words हैं इनका एक अपना particular name है, उसी को हम लोग parts of speech बोलते हैं. Basically parts of speech जो sentence होता है उसके जो component होते हैं, they are noun, it's a pronoun, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition, article. Article को the people they don't believe that article also is a part of a speech. लेकिन हम believe करते हैं, because article also plays an important role to make the sentence, to signify the sentence, and that's why we also can include it in part of a speech. Okay. So there are eight types of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, including article, there are 9 types of part of speech. Now let us discuss it by and by. First we'll discuss noun, then pronoun, and then verb, adverb, its kind also. Similarly we will discuss article also. Okay. सो नाउन व्हाट इज नाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ नाउन, व्हाट इज नाउन. हिंदी में नाउन को बोलते हैं संज्ञा. क्या बोलते हैं? संज्ञा.
तो संज्ञा क्या होती है? नाउन, नाउ इट इज बेसिकली इज डिफाइंड दैट नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस आर थिंग. सिंपली नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस आर थिंग. नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का स्थान का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है. व्यक्ति का नाम मान लीजिए रोहन सोहन कर दीजिए, स्थान का नाम वाराणसी, थिंग्स का नाम व्हाट मे बी द टेबल इज देयर, मोबाइल इज देयर, फोन इज देयर, लैपटॉप इज देयर, व्हाट एवर इज द थिंग्स आर देयर, दे आर नाउन. द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स एट ए सी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन. ओके, सो नाउन को डिफाइन तो कर दिए हम लोग, लेकिन द प्रॉब्लम इज किसको किस पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा जाए, ये भी जरूरी है. तो नाउन बेसिकली नाउन इज देर आर फाइव टाइप ऑफ नाउन. वन इज प्रॉपर नाउन. सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम विच आर यूज प्रॉपरली. ऐसा नाम जो हमेशा नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन में आता है. फॉर एग्जाम्पल नेम हो गया रोहन, सोहन, वाराणसी, इतिसी, दीज आर दी प्रॉपर नाउन, दे आर यूज प्रॉपरली. एंड इस प्रॉपर नाउन में हमेशा ध्यान में रखना कि प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. फर्स्ट लेटर ऑफ दी वर्ड विल बी कैपिटल. कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन वह नाम होता है, द कॉमन नाउन इज दैट नाउन विच आर यूज कॉमनली फॉर द थिंग्स. हमने आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट, आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट. वाई स्टूडेंट का उदाहरण क्यों दे? स्टूडेंट किसको कहते हैं? द स्टूडेंट इज अ पर्सन हु गोज टू स्कूल, टेक्स इज बैक एंड स्टडी देर. तो एक तो आता नहीं है सबको. हम लोग जो है कि बहुत सारे बच्चे किसी स्कूल में आते हैं, किसी क्लास में होते हैं, लेकिन हम पूरे क्लास के बच्चों के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है? स्टूडेंट. लोग बोलते हैं विद्यार्थी, दे आर द स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल. अरे ये तो मेरा विद्यार्थी है. तो स्टूडेंट एक कॉमन हो गया कि कॉमनली सबको एड्रेस करने के लिए स्टूडेंट यूज़ किया गया है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल देयर, कुछ स्कूल्स क्या होते हैं, मान लो कि स्कूल को यूज़ कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ? स्कूल जो विश्व में जितने भी स्कूल होंगे जहाँ पढ़ाई होती होगी, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, चाहे ग्रेजुएशन चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी में भी किसी स्कूल का नाम है तो दे आर दी कम इन दैट कैटेगरी. तो सारी चीज़ों को हम लोग डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्कूल.